पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और यहाँ देखिए हम लोग जो जनरल कंपटीशन वाला जो है यहाँ पर यूट्यूब पे जो है बैच, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट 13 आई थिंक है, देख लीजिएगा पार्ट 13 ही होगा, 12 वो पहले पढ़ा चुके हैं या 11 या 12 पहले पढ़ाया हुआ है, पार्ट 13 हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो है समय चाल और दूरी जो चैप्टर था, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका एक ये पार्ट है शुरू होने वाला है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करना, एक ही दिशा में गति करना, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट सब है, इसको एकदम ध्यान से समझना। और आज जो पढ़ाने वाले हैं इसमें देखिए पहले थ्योरी रहेगा, इसके बाद इसमें क्वेश्चन करवा देंगे, यहाँ पर समझिए क्या चीजें क्या यहाँ पर आपको देने वाली है। यहाँ पर ये कहा गया है एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करना और मिल जाना, जिसे मान लीजिए यहाँ पर एक है व्यक्ति यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, दोनों के बीच कुछ दूरी है, दोनों दोस्त है और दोनों चाहता है कि दोनों जाके मिले, है ना, दोनों का मिलना है, दोनों दोस्त है जो भी रहे, लेकिन दोस्त है जो भी दोस्त रहे, दोनों को मिलना है। अच्छा ये देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया रहेगा सर, कि द डिस्टेंस बिटवीन बोथ आर समथिंग कुछ दिया रहेगा, ये कुछ दिया रहेगा आपको डी, या मान लीजिए कहा जाए कि 500 मीटर दोनों के, 500 किलोमीटर चाहे जो रहे, 500 मीटर दोनों का है ना, दोनों के बीच का दूरी है, इस तरह से आपको कुछ दिया रहेगा, दोनों के बीच का दूरी कितना दिया है 500। अच्छा अब एक है कि दोनों को आपस में मिलना है, तो मिलने के लिए थोड़े कि ये जो महापुरुष है इधर भागेगा, नहीं मिलना है तो ये इधर भागेगा और ए वाला जो है इधर भागेगा, नहीं एक दूसरे के विपरीत, ये इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक दूसरे के विपरीत गति करेगा, ये नहीं कि ये इधर नहीं जाएगा मिलने के लिए, और एक दूसरे के विपरीत दिशा कहने का ये मतलब है कि यहाँ मिलने के लिए आ रहा है, ध्यान रखिएगा मिलना है दोनों को, मिलना है। अब सर एक दूसरे के विपरीत आप लिख दिए तो हो सकता है इधर भागे अरे महापुरुष इधर जाए, ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों का मिलन है, दोनों का मिलना है, तो ऐसे नहीं भागेगा, ये एक इधर जाएगा दूसरा दूसरा जो है इधर आएगा, यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए अच्छा ये देखिए क्या कहता है, दूरी दे देगा, इसके बाद एक है कि जब मिलना हो ना तो यहाँ दो कंडीशन, मिलने पर दो कंडीशन आपको लगाता है, पहला कंडीशन क्या लगाता है कि दोनों जो महापुरुष है सेम ही टाइम में, अगर 6 बजे सवेरे ए निकला है तो ए भी 6 बजे सवेरे निकलेगा, पहला कंडीशन आपको देगा, ध्यान से इसको समझना, इसमें एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज शुरू कर रहे हैं, ये लगातार 3 या 4 वीडियो में ऐसा रहेगा आपको, है ना, सेम चीजों से क्वेश्चन बनते रहेगा आपका। यहाँ ये समझा रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे से मिलना है, दोनों के बीच की दूरी आपको दिया रहेगा, कुछ ना कुछ दूरी दिया रहेगा, दूरी को सूचित किससे करते हैं, तो डी से, तो डी बराबर यहाँ तो आपको दे दिया 500 मीटर दिया है। अच्छा ए अब मिलने के लिए भागेगा इधर, ये दूसरा महापुरुष इधर भागेगा। अच्छा जब जब दोनों भागेगा तो यहाँ कंडीशन दो चीज फिर आ जाता है, क्या कि दोनों सेम टाइम पे, ये 6 बजे सवेरे निकला है तो ये भी 6 बजे सवेरे निकलेगा, अलग अलग टाइम में नहीं निकलेगा, या ये आप कहिए कि ये महापुरुष 7 बजे सुबह में निकला होगा तो एक ये भी 7 ही बजे निकलेगा, पहला कंडीशन समझा रहे हैं, नहीं ये 10 बजे सुबह में निकला, खा पी के आराम से चलेंगे, नहीं 10 बजे निकला है तो ये भी महापुरुष जो है 10 ही बजे सुबह में निकला होगा इधर जाने के लिए, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो है इसको मिलने की बड़ी जल्दी है, ये सवेरे 6 बजे निकल गया है, लेकिन इसको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ई को जी क्या कि आराम से 6 बजे निकला है, 6 बजे हम फिट फाट होकर तैयार होकर इसको मिलने के लिए आ रहा है, ठीक है। अब क्या दिक्कत हो गया कि इसको उतना जल्दी उसको से मिलने के लिए नहीं है, ये आराम से 6 बजे उठवे कि 8 बजे तक तैयार हुआ, और ये महापुरुष 8 बजे निकला इधर जाने के लिए, ये चीजें समझ में आ रहा, दो केसेस समझ में आया। देखिए पहला केस में क्या है, तो पहला केस में यहाँ पर पहले तो आपको ये समझा रहे हैं कि एक दूसरे के विपरीत में दोनों को मिलना है, ठीक है, दोनों को मिलना है, और जब दोनों को मिलना रहेगा, एक बार ध्यान रखिए कि जब दोनों को मिलना होगा तो जब दोनों भागेगा तो दो कंडीशन देता है, एक कंडीशन आपको ये दे देगा कि दोनों एक ही समय में, 6 बजे निकला है तो 6 बजे भी निकलेगा, है ना, 7 बजे निकला है तो 7 बजे भी निकलेगा, एक ही समय में दोनों भागेगा, या दोनों का समय अलग अलग रहेगा, 6 बजे निकलेगा तो 8 बजे निकलेगा, ये 5 बजे निकलेगा तो हो सकता है कि 4 बजे और सवेर ही निकल जाए, है ना, तो इस तरह से कुछ अलग अलग टाइम भी आपको दिया रहेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आया होगा कि यहाँ जो है आपको दो चीजें पढ़ना है ना, दो थ्योरी आपको पढ़ना है, एक थ्योरी आपको ये पढ़ना है कि दोनों एक ही टाइम में निकले चाहे दोनों अलग अलग, तो देखिए एक दूसरे के विपरीत, या इसमें एक है कि मिलना है, जब मिलना हो ना तो यहाँ K-1 चलता है, पहले पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे K-1, पहले K-1 में क्या लिखेंगे, तो K-1 में आपको ये लिखना है कि दोनों एक ही समय में चले,
चलिए यहाँ पर देखिए लिख दिए, केस वन लिख दिए हैं कि दोनों एक ही समय में चलता है। नहीं देखिए यहाँ दोनों एक ही समय चलने का मतलब क्या है, देखिए लास्ट में लिखवाने वाले एकदम ट्रिक लिखवा देंगे, जल्दी से आपका क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने का पहले प्रयास कीजिए। ये समझिए, मान लीजिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 500 मीटर जो अभी दिए थे। अब ये महापुरुष सुबह में निकला, जो समय में ये निकला वही समय में ये भी निकलेगा, दोनों सेम टाइम में निकला। और जब ये निकला तो 60 के स्पीड से निकला, 60 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से निकला। आज दूसरा वाला जो महापुरुष है, ध्यान दीजिए ये दूसरा वाला जो है 40 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से निकला। ये थोड़ा तेजी पूर्वक आ रहा है, थोड़ा स्लो जा रहा, धीरे धीरे जा रहा। अब ये कहेगा, ध्यान दीजिए दोनों को मिलना है, तब कितना समय के बाद दोनों मिल जाएगा, क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि कितना इसमें समय पूछता है आपको कि कितना समय के बाद दोनों मिलेगा। ध्यान दीजिए समय, कितना समय के बाद दोनों मिलेगा। आप ये बताइए इसमें सबसे पहले, ध्यान दीजिए पहला कितना के स्पीड से गया है, 60 के स्पीड से। दूसरा कितना के स्पीड से गया है, 40 के स्पीड से। अच्छा कितना समय के बाद निकलेगा, ये टाइम निकालना हो तो मान लेते हैं कि टी टाइम के समय नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं टी टाइम के बाद निकलेगा। हाँ टी टाइम के बाद दोनों जाके यहां पर मिल जाएगा, दोनों मिलेगा टी। ई बताइए दोनों सेम ही टाइम में निकला है, तो जितना समय ई चला होगा उतना ही समय भी चला होगा, दोनों का सेम टाइम है, सेम ही टाइम में निकला है। 6 बजे भी निकला, 6 बजे भी निकला, तो 8 बजे माने दोनों मिल गया, तो के घंटा चला था, 2 घंटा। ये भी 6 बजे निकला था, तो ये भी 2 घंटा चलेगा, तो दोनों का टाइम सेम है। अच्छी बात है, दोनों के बीच की दूरी कितना है सर, तब 500 मीटर है। अच्छा ये बताइए टी समय में कितना चल जाएगा, तो इसका चाल कितना दिया है, 60। समय कितना दिया है टी, देखिए आगे एक इसमें लिखवाने वाले हैं, एकदम आसान सा ट्रिक, कितना कुछ सोचे कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली ट्रिक वा रखिए आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको देख लीजिए। समय कितना है टी है, टी समय तक यहां तक पहुंचा, और चाल कितना है 60। टी बताइए चाल को समय से गुना करेंगे तो यहां से यहां तक आपका दूरी निकल जाएगा, जहां तक मिला है ये वाला दूरी आपको निकल जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तक कितना यहां पर चाल कितना है 60 है, समय कितना है टी है, तो यहां से यहां तक दूरी निकला, इसका चाल कितना है 40, इसका समय कितना है टी, तो एक कितना दूरी तय करेगा ये बताइए, तो 40 और टी यहां पर ये है, तो ये हो जाएगा 40 टी दूरी तय करेगा। ये बताइए 60 टी दूरी तय किया, 40 टी दूरी तय किया, तो टोटल दूरी कितना है, ये दोनों टोटल मिला के दूरी 500 है, तो अगर दोनों दूरिया को जोड़ दें बराबर 500 निकले, तो कोई दिक्कत आपको है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 60 हुआ 40 को के गो, तो कहिए सर 100 गो टी बराबर 500। अगर यहां से आप टी निकालना चाहिएगा तो टी बराबर कितना हो जाए, आपको बता देना है, यहां से अगर आप चाहते हैं कि टी का मान निकाला जाए तो टी बराबर कितना, तो कहिए सर 500 डिवाइडेड बाय 100 को नीचे कर देंगे, यहां पर आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 100, आई कट के आ जाएगा 5 सेकंड दिया था यहां समय में, तो 5 सेकंड के बाद दोनों जाके मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 मिल जाएगा। चीजें क्लियर है। अच्छा देखिए अब इतना आपको नहीं करना है, इतना तो आपको समझा दिए, जो थोड़ा सा तेज स्टूडेंट है उसके लिए समझा दिए हैं कि कभी अगर फॉर्मूला भूल जाओ ना तो इसको बनाने का तरीका समझा दिया। आपको यहां पर ये समझाना चाहते हैं कि डायरेक्ट कैसे बनेगा, फिर ये सोचो आपको निकालना क्या है, तो सर समय निकालना है, ठीक है समय निकालना है। फॉर्मूला देखिए क्या रहेगा, इसका आंसर बस एक लाइन में आपका हो जाएगा, तो यहां समय जब निकालना हो, ऊपर 500 आया था, देखिए 500/100 आया था, 500 को चाहिए था दूरी है, लिख देंगे 500 ऊपर, तो ऊपर लिख देना है दूरी, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आया है 100, 100 कैसे आया था, तो यहां 60 हुआ 40 को जोड़ के, मतलब दोनों जो 60 है 40 दोनों का स्पीडवा को जोड़ दो, तब पहला का स्पीड है जोड़ दूसरा का स्पीड, हो गया फॉर्मूला आपका, कब जब एक ही समय में चलेगा ना, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है डी या डिवाइडेड बाय दोनों का स्पीड का योगफल, सम ऑफ स्पीड ऑफ बोथ पर्सन, दोनों का स्पीड का वहां पर कर देना है क्या, जोड़ कर देना है। चीजें क्लियर है। ई बताइए सर यहाँ पर केस वन में ए लिखने वाले हैं कि दोनों एक ही समय में चलता है, तो जब दोनों एक ही समय में चलेगा तो क्या हो जाएगा, समय कितना लगेगा, जल्दी से देख लीजिए समय कितना लगेगा, जहां बता दिए हैं एक यहां पर पर्सन है, दूसरा महापुरुष यहां पर है। अब समझिए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पर्सन डी है, ई कितना स्पीड से चलेगा, तो मान लेते हैं स्पीड इसका एस वन से इधर भागेगा, ई स्पीड एस टू से, अरे जब दोनों चलेगा तो दोनों का चाल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये बात ध्यान रखिए, दोनों का चाल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एस वन एस टू दिया रहेगा चाल। अच्छा अब यहां देखिए अगर ऐसा कोई कंडीशन, दोनों के बीच की दूरी डी है, एक एस वन स्पीड से दूसरा एस टू स्पीड से, तब पूछा जाए कितना समय के बाद मिल जाएगा, तो समय बराबर डी डिवाइडेड बाई एस वन प्लस एस टू,
ये चीजें क्लियर है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं थी। इतना तो आराम से पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक लेना है, रोक के इतना सारा चीज पहले आपको आराम से नोट कर लेना है, इतना जो है इसको पहले एकदम आराम से आप नोट कीजिए, ठीक है। अब चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब नोट हो जाए वीडियो रोकिए, आराम से नोट कीजिए, जब नोट हो जाए इसको तब इसका चालू करके फिर वीडियो देखना शुरू कीजिए। अब देखिए क्या है, एक चीज यहां पर देखिए क्या है, आपको बार बार यह स्पीड नहीं देगा सर, यहां दोनों का स्पीडवा दे देगा, दूरी देगा, आराम से बना लोगे, लेकिन बार बार आपको स्पीड नहीं ना देगा, ये दिक्कत ना आपको है, तो स्पीड ना देगा तो स्पीड निकाले के कोई तरीका देगा आपको। अब खुद समझिए इस समय कब निकलेगा, अब खुद समझिए कि समय कब निकलेगा, तो सर इसमें दूरी होना चाहिए और चाल है ना, यहाँ पर दोनों का स्पीड दिया रहना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको स्पीड नहीं देता है तो क्या कीजिएगा, तो स्पीड ना देगा मतलब स्पीड निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको देगा, याद है यहाँ पर ऐसे त्रिभुज समझाए थे, डी है, एस है, टी है, तो आपको डिस्टेंस और यहाँ पर समय दिया रहता है, डिस्टेंस और टाइम दिया रहेगा, दोनों को डिवाइड करके आपको स्पीड निकालना पड़ेगा, कब, जब क्वेश्चन में आपको स्पीड ना दिया रहेगा तब, चीजें क्लियर है, जब क्वेश्चन में आपको स्पीड नहीं दिया, देखिए अभी केस वन ही पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल केस वन अभी शुरू कर रहे हैं, इसमें टोटल चीजें समझा दिए हैं, अगर स्पीड देता है एकदम आराम से बन जाएगा, नहीं देता है तो आप स्पीड निकालो, कौन बड़ी चीज है, निकालने के बाद फॉर्मूला का प्रयोग करना है। चलिए अगर यहां तक हो जाएगा तो जो आप समझा रहे हैं इसका क्वेश्चन जो है पीछे वाले वीडियो जिसके जस्ट पिछले का जो है ना, अगर 13वां है तो 12वां वाला जो पार्ट है, 12 पार्ट के डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स में आपको इसका है ना क्वेश्चन मिलेगा। अब आइए क्वेश्चन पे हम लोग शुरू करते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे बनना है, क्या है, ध्यान दीजिए। हाँ चलिए देखिए शुरू कर रहे हैं, 57 तक आप लोग को दिए थे, 57 तक दिए हैं क्वेश्चन, उसमें देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन मिलेगा, वहां से आराम से पढ़िए। ये देखिए जब शुरुआत हो ना कोई नया चीज का तब उसको पहले एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़िए, कि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से पहले पढ़िए, क्वेश्चन समझे के प्रयास कीजिए, और ये प्रयास कीजिए कि एक बार में क्वेश्चन बन जाए ना, कि उसके लिए 10 को नियम लगा रहे हैं, कुछ कुछ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं मत कीजिए, पहले उसको एकदम आराम से थ्योरी ढंग से देख लीजिए, क्वेश्चन को उतना ही आराम से पहले पढ़ो। चलिए तो क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू किए, 57 तक हो गया था, यहां तक बता दिए थे क्वेश्चन करवाए थे, अब 58 से हम लोग शुरू करें, 58 में क्या कहा गया है, देखिए शुरू में क्या करते हैं कि कुछ फिगर वगैरह बनाने का प्रयास करें, कहा गया ए एवं बी के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है ना, पहली चीज यहाँ ए है बी है, दोनों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर आपको दे दिया है, दूरी है, ठीक है। अब कहा गया है वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, दोनों जो है मिलने के लिए जा जाते हैं, वो इधर भागेगा वो इधर भागेगा, भागेगा तो स्पीड देगा, ए का चाल 40 दे रहा है, तो ए का चाल इधर की ओर 40 दिया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया होगा, ध्यान रखिएगा, बी का चाल इधर से कितना दिया है देख लीजिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अच्छा यहाँ ये तो बोला नहीं है कि एक समय में ऐसा कुछ टाइमिंग दिया नहीं, मतलब दोनों एक समय वाला कंडीशन है, कहता है तो दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा ये चाहिए, तो ये बताइए टाइम बराबर क्या जानते हो, आप जानते हो कि समय बराबर होता है दूरिया बटे टोटल स्पीड को जोड़ के, तो दूरिया 540 बटे दोनों को जोड़ो, यहाँ जाएगा 40 प्लस 50, ये बताइए 40 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 90, 9 यहाँ देखिए 9 छक्का 54, 0 से 0 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 6 घंटा के बाद पता चला कि दोनों मिल जाएगा, घंटा में काहे लिखे हैं, इसे लिखे हैं काहे कि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया था टाइम है ना, पर आवर दिया, इस कारण से लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब इतना आपको नहीं करना है, एक बार ध्यान रखिएगा इसको आराम से कैसे बनावेंगे, तो जब फिगरवा बनाओ ना वहीं पर आपको हो जाए, देखिए कैसे बनाना है, ये बताइए आप ए और बी लिख दिए हैं, ऊपर कितना दिया है तब 540 किलोमीटर, इसको ध्यान रखिए 540 किलोमीटर ऊपर दिया गया है, ए का चाल कितना था, कहीं सर ए का चाल 40 था, आई थिंक 40 था, कितना था देख लो 58 में 40 है, अब बी का चाल 50 है, तो नीचे दोनों को जोड़ दो और कितना यहाँ इधर इसे कर जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ के याद आएगा 90 एक 0 से 1 0 9 6 54 6 घंटा यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, बार बार कितना आप लिखे जाएगा, थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से और देखिए, शॉर्ट करने का के लिए देखते हैं क्या है? अगला में देखो क्या है, 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देख रहे हैं, 59 ध्यान से एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, क्या क्या है एकदम इसको पहले आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। कहा गया है 59 में, दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए एवं बी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है,
दो रेलगाड़ी है जो एगो ए से चला और दूसरा जो है बी से, ठीक है। कहता है यदि उनकी चाल क्रमशः 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक का चाल कितना है 50 किलोमीटर है और दूसरा वाला का चाल 60 किलोमीटर है और दोनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है ऐसे, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट सब लग गए यहाँ पर, देख लीजिए। कहता है कितने देर के बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा, तो ये बताइए एक का चाल 50 है एक का चाल 60 है तो जानते हो, और दूरी 220 है तो दूरी ऊपर या नीचे दोनों को जोड़ दिए ए पर सब हो गया। ये बताइए 50 और 60 को कितना, अलग से कहीं लिखे मत जाओ, है ना, वहां आपको ही नहीं देखा कि कितना छाप प्रक्रिया। आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, वहां आपको रिटेन आपको चाहिए एकदम ढंग से लिखा है कि नहीं सुंदर सुंदर, अरे वहां को टिक मार देना महाराज। यहाँ डायरेक्ट कहता 50 और 60 को बताइए 110 को, 10 से 10 और ए बताइए 2, मतलब कि 2 घंटा आपका समय हो गया, टी बराबर 2 घंटा, तो 2 घंटा के बाद दोनों मिल जाएगा। चीजें क्लियर है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला कौन सा है 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन, एकदम आराम से पढ़ना है 60 नंबर में। अब इसमें कहो कि सर 6 बजे देख लिया 7 बजे दे रहे हैं, अब क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं ऐसा दिया है झूठ मूठ आपको 6-7 कर दिया है, समय आराम से बन जाएगा, समय देना चाह रहा है। चलिए देखिए क्या है 60 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ए तथा बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। चलिए यहां पर मान लेते हैं ए है, दूसरा यहां पर मान लेते हैं बी है, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, दोनों के जो बीच की दूरी दिया गया है वो है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दोनों के दूरी लिख दिए हैं 20 किलोमीटर है। कहता है दो व्यक्ति क्रमशः ए तथा बी से एक दूसरे की ओर प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करता है, एक व्यक्ति 7 बजे यहां से चला और दूसरा व्यक्ति अभी 7 बजे, इसका मतलब क्या है 7 बजे दोनों चला, इसका मतलब समय दोनों के लिए सेम है, समान समय में जितना बजे ई चला है ना उतना ही बजे ये चला है, मतलब फॉर्मूला तो ही लगेगा डी बटे S1 + S2 का लगेगा। अब बताइए 7 बजे चलना प्रारंभ किया है, क्या दे जिसकी चाल क्रमशः एक का 4 है एक का 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक का 4 चाल है एक का 6 चाल है, तो 6-4 नीचे बताइए आ जाएगा कितना सर 10, और 10 से इसको काट देंगे 10 × 20, बताइए कितना समय लग जाएगा उसको मिलने में, तो मिलने में उसको 2 घंटा लग जाएगा, 7 बजे यहां से निकलेगा 2 घंटा मतलब 2 घंटा ये भी 2 घंटा मतलब कितना 7 बजे निकला है और 2 घंटा के बाद मिल जाएगा, मतलब के बजे मिलेगा, अगर क्वेश्चन में कह दे बजाय कि बताइए कितना समय के बाद निकले मिलेगा तो कह देंगे 2 घंटा, कहा कि नहीं के बजे मिलेगा ये बताइए, तो 7 बजे चला था 2 घंटा तक चला है तो कितना, तो 7 × 9 बजे, तो जैसे आपको कहता उसके अनुसार आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, के बजे पूछा है क्या पूछा है, देख लीजिए। कहता है वह एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे, तो के बजे 2 घंटा मतलब 9 बजे मिलेगा, चीजें क्लियर है। चलिए ऑप्शन देखिए वो 9 बजे होगा, 9 है एम करके ध्यान 9 AM दिया है। हाँ अगला एक और क्वेश्चन है 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन, एकदम आराम से रिपीट करते रहना ठीक ना, और वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कीजिए सबको। 61 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, ए कहा गया एक्स तथा वाई दो दोस्त एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर, लीजिए वहां बड़ी दूर है, एक एक्स है दूसरा वाई है और दोनों 500 किलोमीटर की दूरी पर है। अब कहा गया है एक्स अपनी कार से वाई की ओर 60 के गति से, एक्स इधर गया 60 के गति से, चलिए और वाई जो है अपने वाई से वाई एक्स की ओर चला है कितना की गति से 50 के गति से, तो दूसरा 50 तो नीचे जुड़ेगा, अब आइए प्रति घंटे की चाल से चला। कहता है एक्स सुबह 9 बजे चलना शुरू करता है, एक्स सुबह में के बजे 9 बजे चलना शुरू करता है और वाई 1 घंटा बाद शुरू करता है, मतलब 10 बजे शुरू करेगा 1 घंटा बाद शुरू करेगा, ये तो इसका कंडीशन है ही नहीं, तो सेकेंड टाइप में आपका केस 2 में आ जाएगा। यहां तक तो समझ में आया है, 60 तक चीजें क्लियर हो गया है, अब 60 के बाद जो भी अब हम लोग पढ़ेंगे वो तो केस 2 में आने वाला, नहीं केस 2 में क्या इसमें होगा नहीं होगा, जब एक समय वाला बता दिए हैं कि अगर एक ही समय में दोनों चलेगा तो बनाने का डी या बटे दोनों का स्पीड को जोड़ दीजिए काम हो जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग टाइम में चलना शुरू करे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, उसके लिए ट्रिक क्या रहेगा, सेम ट्रिक वाला रहेगा सर, थोड़ा सा उसमें अंतर है, उस अंतर को अगला क्लास में एकदम आराम से डिस्कस करेंगे अगला वाला वीडियो में। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं।